सलाम फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है नुसरत फ़तेह अली ख़ान को शहनशाह कवाली क्यों कहा जाता है। फ्रेंड्स, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान 13 अक्टूबर 1948 को पैदा हुए। आप एक अजीम कवाली मौसीकार थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान को उर्दू ज़ुबान में सूफ़ी गुलकार और जनूबी एशिया के सबसे बड़े कवाली गुलकार के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने पाप और क्लासिकी मौसीकी को यकजान करके मौसीकी को नई चहत बख्शी। उन्हें शहनशाह कवाली भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी पहली परफॉर्मेंस रेडियो पाकिस्तान के सालाना मौसीकी के प्रोग्राम जश्न बहारा के जरिए दी। उनकी पहली कामयाब कवाली हक अली अली थी, जो दुनिया भर में उनकी शनाख्त का बायस बनी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ज़्यादातर उर्दू, पंजाबी, जबकि कभी कभार फारसी और हिंदी ज़ुबान में भी गाते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुतअद्दिद एल्बम रिलीज़ किए, जिसमें कवाली के 125 ऑडियो एल्बम शामिल हैं, जिसकी वजह से उनका नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। नुसरत फ़तेह अली ख़ान फैसलाबाद में पैदा हुए। आपके वालिद फ़तेह अली ख़ान और ताया मुबारक अली ख़ान अपने वक्त के मशहूर कवाल थे। उनके ख़ानदान ने क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरक़ी पंजाब के ज़िला जलंधर से हिजरत करके फैसलाबाद में सकूनत इख्तियार की थी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपनी तमाम उम्र कवाली के फ़न को सीखने और उसे मशरक़ व मगरब में मकबूल बनाने में सर्फ की। उन्होंने सूफ़ियाए कराम के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया और उनके फैज़ से ख़ुद उन्हें बेपनाह शोहरत नसीब हुई। आपने 16 अगस्त 1997 में वफात पाई। थैंक्स।